स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, आज है 9 नवंबर और स्टॉक की अगर बात करें तो मामूली तेज़ी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। 3143 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 0.17% की छोटी सी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो देखिए अब तक 56% के करीब डिलीवरेबल क्वांटिटी यहां पर उठाई जा चुकी है एशियन पेंट्स के अंदर। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके चार्ट्स के बारे में और जानेंगे क्या रणनीति हमें अपनाकर चलनी चाहिए। दोस्तों, आपके सामने एशियन पेंट्स का डेली चार्ट लगाया हुआ है। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। देखिए साफ देख सकते हैं अभी 3144 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ स्टॉक ने एक लो लगाया हुआ है 2855 रुपये के करीब एक लो लगाया। यहीं से एक अपमूव स्टार्ट हुई थी और अब देख सकते हैं आप 3144 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करें यहाँ पर कहाँ पर हमें फ्रेश बाइंग का मौका मिलता है दोस्तों, तो देखिए ये लाइन आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे दोस्तों। इससे ऊपर अगर आपको मिलता है दोस्तों, यानी कि 3251 के करीब अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा नीचे के लेवल पर है, यहाँ से थोड़ी बहुत और अप मूव आपको देखने को मिलती है तो बिल्कुल आप एशियन पेंट्स में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर आपने पहले से ही होल्ड किया हुआ है तो देखिए डेफिनेटली आप यहां पर होल्ड करके चल सकते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि अब यहां से एक अप मूव आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए फ्रेश बाइंग का मौका भी बिल्कुल एशियन पेंट्स में बनता हुआ आपको दिखने वाला है। देखिए बात करें स्टॉप लॉसेस की तो देखिए स्टॉप लॉस आपको ज़रूर लगा कर चलने हैं। हमने पहले भी आपको बताया है एशियन पेंट्स में 3080 रुपये 41 पैसे का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाकर आपको चलना है। 3080.41 3080 रुपये 41 पैसे का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल बनता है एशियन पेंट्स में। टारगेट की बात करें अगर ऊपर की तरफ तेज़ी बनती है स्टॉक में तो जल्द ही ये स्टॉक 3300 रुपये के टारगेट्स तोड़ देने का दम रखता है। तो 3300 रुपये के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप होल्ड करके रख सकते हैं एशियन पेंट्स को। जब हमने आपको बताया है जिस समय पर बाइंग का मौका आपको बनता है दोस्तों, डेफिनेटली आप फ्रेश बाइंग करने से मत चूकिएगा। तो यही रणनीति आपको अपनानी है एशियन पेंट्स में इस समय। आप चाहें तो अपनी खुद की एनालिसिस, खुद की रिसर्च ज़रूर करके चल सकते हैं। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।